हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम कम्युनिकेशन का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें। और अगर आप लोग कम्युनिकेशन का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या फिर इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। NTA नेट पेपर 1 के नाम से हमारी जो प्ले लिस्ट है और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये जो वीडियो है इसमें जो क्वेश्चंस लगाए गए हैं वो पहले इजी हैं, उसके बाद मॉडरेट और फिर जाके टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व कर सकें। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है ना। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिए हुए हैं। जैसे कि पहला कहता है मध्यस्थता संप्रेषण, मध्यस्थता पारस्परिक संप्रेषण, मध्यस्थता जन संप्रेषण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यस्थता संप्रेषण, ठीक है ना। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं जिसे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है, ठीक है ना। कौन सा रूप हमें बताना, ये क्वेश्चन पूछा गया है जून 2009 में, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानांतर संप्रेषण, ठीक है ना। जो इंटरनेट पे हम लोग बातचीत करते हैं उस संप्रेषण को हम कहते हैं समानांतर संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक संप्रेषण केवल तब होता है जब, यहाँ पे आप चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैं पढ़ देता हूँ इसे, एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है, या फिर एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हो, या फिर केवल मित्र एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो पारस्परिक संप्रेषण कब हो सकता है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। जब एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है तो उसे हम बोलते हैं पारस्परिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही है, ठीक है। तो आपको बताना है, आप क्वेश्चंस को ध्यान से पहले पढ़ें और उसके आंसर्स को गैस करें ताकि आपको ये एहसास हो सके कि आपको इसमें कितना आता है, क्योंकि 20 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हैं और आप कितने तैयार हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरावैयक्तिक संप्रेषण या कहें कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन सहायता करता है, किसमें सहायता करता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्वयं के बारे में जानने में, दूसरों की सोच के बारे में पता लगाने में, सामान्य जनता के साथ संवाद करने में, या फिर एक प्रतिभाशाली सार्वजनिक वक्ता बनने में। तो 75वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं के बारे में जानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो आंसर को आप गेस करें कि क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन कहता है कि संगठनात्मक संप्रेषण, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, या फिर पारस्परिक संप्रेषण, या फिर आंतरिक व्यक्तिगत संप्रेषण, या फिर अंत व्यक्तिक संप्रेषण। तो चार ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया भी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता के बारे में बताना है। चार ऑप्शन दे रखा है, महत्वपूर्ण होती है या संप्रेषण में बाधा होती है, अप्रभावी होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक संप्रेषण में जो आचार संहिता होती है ये महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है, ठीक है ना। तो 78वां क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सामूहिक संप्रेषण कहते हैं उसे, ठीक है ना, संप्रेषण मध्यस्थता, या फिर कहें कि सामूहिक संप्रेषण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक संप्रेषण संरचना के अंतर्गत होता है। आपको बताना है निम्न में से सार्वजनिक संप्रेषण संरचना के अंतर्गत, किस संरचना के अंतर्गत होता है। जून 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, जटिल संरचना, राजनीतिक संरचना, सुविधाजनक संरचना या फिर औपचारिक संरचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संरचना में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं टॉपिक का तो आप हमारी प्लेलिस्ट है NTA NET पेपर 1 के नाम से, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां आप क्लिक करके सीधा हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां पर आपको ये टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन मिल जाएंगे, ठीक है ना। लगभग सभी टॉपिक पेपर 1 के मिल जाएंगे आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल होता है, क्या शामिल होता है। पहला ऑप्शन कहता है भाषण देना, टेलीफोन पर बातचीत करना, गीत गाना या फिर हाथ मिलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथ मिलाना, ठीक है ना। गैर मौखिक संप्रेषण में हाथ मिलाना जाता है, ठीक है ना, नमस्ते करना, हाथ मिलाना, ये सब इसी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व के उभार कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। आपको बताना है नेतृत्व के उभार कर आने की संभावना सबसे अधिक कौन से संप्रेषण में होती है। यहाँ दे रखा है पहला ऑप्शन अंत व्यक्तिक संप्रेषण या छोटा समूह संप्रेषण, आमने सामने का सार्वजनिक संप्रेषण या मीडिया जैसे कि सेल फोन और त्वरित मैसेंजर, ठीक है ना। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे समूह संप्रेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यस्थता, ठीक है ना, संप्रेषण करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है। दिसंबर 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको बताना है ऑप्शन ए कहता आलोचना, खंडित प्रतिपुष्टि, निष्क्रिय प्रतिपुष्टि या गैर अनुरूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन ए कहता है समूह संप्रेषण, लक्षित दर्शकों के आमने सामने संप्रेषण या फिर डायदिक संप्रेषण या फिर पारंपरिक संप्रेषण। तो 83वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डायडिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सांस्कृतिक संदर्भ पर, शारीरिक संदर्भ पर, शोक के स्तर पर या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदलने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक संदर्भ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रकार संप्रेषण के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है ना, वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो तरफा मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VCR पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का एक उदाहरण है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, समय स्थानांतरण, सामग्री संदर्भ, यांत्रिक स्पष्टता या फिर मीडिया तुल्यकालन, ठीक है ना, तुल्यकालन। तो यहाँ चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही हो जाएगा समय स्थानांतरण, ठीक है ना, इसका ए जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूटलेखन संदेश की चार शर्तें प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं, कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक का ज्ञान और डैश, ठीक है ना, ऐसी कौन सी चीज़ है आपको बताना है इसमें से। सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली या फिर संदेश प्राप्तकर्ता का ज्ञान या संदेश प्रेषक की उम्र या पर्यावरण मुद्दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण वृत्तीय होता है जब। चार ऑप्शन है, कूटवाचक एक कूट लेखन हो जाता है या प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक नहीं हो पाती है, स्रोत विश्वसनीय हो या फिर चैनल स्पष्ट हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूटवाचक
एककूट लेखक हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन संप्रेषण के सूचना कार्य के लिए कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है? क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूँ एक बार, जन संप्रेषण के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है? चार ऑप्शन कहता है, चार ऑप्शन इसमें, पहला कहता है ऑप्शन प्रसार, प्रचार, निगरानी या परिवर्तन। चार ऑप्शन थे इसमें, आपको बताना है सही कौन सा है। तो इसका सही होगा निगरानी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौखिक संप्रेषण की सीमा को प्रतिबिंबित करता है? पहला कहता है ये अपरिवर्तनीय है, कहाँ हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। हमारे लिए, दूसरा ऑप्शन कहता है हमारे लिए शारीरिक भाषा के बारे में जानकारी रखना ज़्यादा आसान है। सी कहता है यह वक्ता की भावनाओं या तनाव या उत्तेजना आदि से प्रभावित नहीं होता। डी ऑप्शन कहता है इसके लिए मौके पर ही सोच की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कन्फ्यूज़न के लिए, और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है ना, और एक घंटे के अंदर आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसे आप जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेटा संप्रेषण वक्ता के किस पहलू से संबंधित है? ऑप्शन ए कहता है पहरावे का इच्छा अनुरूप चुनाव, या शब्दों का इच्छा अनुरूप चुनाव, या शब्दों और पहरावे का अज्ञानकृत चुनाव, या फिर शब्दों का अज्ञानकृत चुनाव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहरावे का इच्छा अनुरूप चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिशन, ठीक है ना, रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश के हस्तांतरण प्राप्ति या प्रतिपुष्टि या कहें कि फीडबैक में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है? सिंपल इसका क्वेश्चन आंसर डी, शोर कहा जाता है उसको। संप्रेषण प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है? उल्लंघन, प्रतिपुष्टि, शोर या पारस्परिक प्रभाव डालना। तो इसका आंसर शोर सी सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है? सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है? तो ऑप्शन बी, भ्रमित शिक्षक, ठीक है ना। ये दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1997 में भी और 2001 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चर्चा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आप, मैं नहीं पढ़ूंगा इसका, सीधा मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह औपचारिक संप्रेषण से अधिक अधिमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रभावशीलता के स्तर की स्तर सी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? चैनल शोर, अर्थ संबंधी शोर, मनोवैज्ञानिक शोर या स्रोत शोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैनल शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध हैं? किसे छोड़कर प्रभावी संप्रेषण में आने वाले अवरोध हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, शोर का अभाव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सूचना के अनौपचारिक हस्तांतरण या फिल्टर सूचना को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, तो उसको कहा जाता है ग्रेप वाइन, ठीक है ना, ग्रेप वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हम क्रियात्मक या शारीरिक शोर का एक उदाहरण मान सकते हैं? ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भूख लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ संबंधी शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में शोर क्या करता है आपको बताना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी, संदेश के
साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है। सो ये तो था हमारा वीडियो संप्रेषण पर, भाग तीन या कहीं पार्ट तीन। इसका पार्ट फोर जो है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा, और इसके बाद जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो करेंगे आईसीटी के, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी पे। सो आशा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। NTNET पेपर वन के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आपको सभी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड MCQs मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।